हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएफडी डब्ल्यू नेटवर्क। सो गाइस, आप सबको पता चल चुका होगा आने वाला पेपर व्यू जो है क्लास ऑफ चैंपियन कुछ ही हफ्ते दूर है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्या सिट्रंस का ओपोनेंट कौन होगा, क्या एज स्टाइल होंगे और फिर ब्रॉनस्टोन। लेकिन यहाँ पर एक प्लान भी चेंज हो चुका है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा, यही कि ब्रॉनस्टोन का अगला न्यू ओपोनेंट के बारे में। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। और फिर और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ताकि डब्ल्यू से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सबको मिलता है। So guys, वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने रो में ये देखा कि सेथ्रोलिंस और ब्रॉनस्टोन के बीच एक अमेजिंग कंफ्यूजिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मूवमेंट, जिसमें सेथ्रोलिंस तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हैं लेकिन ब्रॉनस्टोन को मौका नहीं मिलता क्योंकि एज स्टाइल इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्ट करने का मकसद यही होता है कि एज स्टाइल का उसी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक मैच चाहिए होता है और फिर वहाँ पर एक टैग टीम मैच डिक्लेयर कर देते हैं डब्ल्यूई। ये मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं और फिर इसमें कोई भी सुपरस्टार नहीं जीत हासिल करते। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है कि सेथ्रोलिंस का ओपोनेंट एक नहीं दो होने वाला है, वो है ब्रॉनस्टोन एंड एज स्टाइल। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि गाइज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मूवमेंट में ये देखा कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मूवमेंट फेल हो जाते हैं। जी हाँ गाइज, डब्ल्यूई यही चाहते हैं कि अब ये मैच इंटरेस्टिंग भरा हुआ हो और फिर इस मैच में पॉसिबिलिटी है कि सेथ्रोलिंस वर्सेस ब्रॉनस्टोन वर्सेस एज स्टाइल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पर दो टाइटल भी डिपेंड हो सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि जुड़ी हुई है ब्रॉनस्टोन का अगला न्यू ओपोनेंट कौन हो सकता है क्लास ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में। हमें ये न्यूज तो मिल चुका है कि आने वाले नेक्स्ट वीक रॉमी सेथ्रोलिंस वर्सेस ब्रॉनस्टोन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा, जिसमें स्टीवन ऑस्टिन स्टोन गोल कंडक्ट करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के मूवमेंट में। सो गाइस, ये मूवमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉनस्टोन का ये कहना होता है कि स्टेज में ब्रॉनस्टोन ये कहते हैं कि अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के मूवमेंट में स्टोन गोल कंडक्ट करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का मूवमेंट, और फिर उसमें भी स्टोन गोल ने भी मेरे साथ इंटरप्ट करने का कोशिश किया तो उसको भी मिलने वाला है गेट दिस हैंड, कहते हैं हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर ए ब्रॉनस्टोन का गेट दिस हैंड का मूवमेंट वो स्टोन गोल सुन लेते हैं और फिर वो दिल पे रखते हैं तो वो ये भी हो सकता है कि स्टोन गोल आने वाले रॉ के पेपर व्यू कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मूवमेंट में ब्रॉनस्टोन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दे आने वाला पेपर व्यू क्लास ऑफ चैंपियन 2019 में। अगर ये हुआ तो हमें देखने को मिल सकता है सेथ्रोलिंस का अगला ओपोनेंट एज स्टाइल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियन और फिर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, डिपेंडिंग करते हुए दोनों टाइटल, क्योंकि गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट होगा और फिर रॉ का रेटिंग भी बढ़ेगा। गाइस अगर ये बात सच निकली और फिर ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकता है तो आप कौन सा मैच देखने को पसंद करेंगे नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो करिए मेरे वीडियो पर एक लाइक, कमेंट, शेयर और फिर साथ साथ ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ताकि डब्ल्यू से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सबको मिलता है रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो पर।